दोस्तों रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पुतिन ने किया है। और इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया हैरान है कि किस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग खत्म हो चुका था और दोनों देश एक बात पर सहमत भी हो चुके थे, लेकिन अचानक से यूक्रेन ने कैसे बड़ा धोखा दे दिया और एक समझौते से अपने पांव पीछे खींच लिया। तो क्या है पूरी खबर और क्या खुलासा किया गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा खुलासा किया है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि जेलेंस्की के एक प्रतिनिधि ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन बाद में यूक्रेन अचानक से पलट गया और शांति संधि के हस्ताक्षर को इतिहास के कचरे में फेंक दिया। रूस ने ये खुलासा अफ्रीका के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ हुए बैठक में की है। इस बैठक में पुतिन ने दावा किया है कि जब 2022 में यूक्रेन पर रूस ने शुरुआती हमला किया था, उसी दौरान तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों द्वारा एक शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। पुतिन के मुताबिक तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू कराने में पहल की थी। इस समझौते के मुताबिक अगर रूसी सेना कीव से लड़ जाती तो यूक्रेन रूस के कुछ शर्तों को मान लेता। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं को इस्तांबुल में हुए इस संधि के कथित मसौदे को भी दिखाया है। इस मसौदे के मुताबिक रूस को यूक्रेन के उत्तरी भाग यानी कीव और उसके आसपास के इलाकों से अपनी सेना हटानी थी। वहीं इसके बदले यूक्रेन को अपनी सैन्य क्षमता को सीमित कर 50% कम करना था। इसके अलावा यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने की कोशिश नहीं करना था। यूक्रेन को एक निष्पक्ष देश रहना था और उसे रूस और यूरोपीय देशों संग समान रिश्ते रखने की शर्त माननी थी। पुतिन के दावे के मुताबिक इस समझौते पर यूक्रेनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर कर दिया था और ये समझौता यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी थी। पुतिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस समझौते को अन्य किसी देशों को नहीं दिखाया और न ही इस पर कभी टिप्पणी की। पुतिन ने कहा कि रूस ने इस समझौते को स्वीकार किया तभी रूस ने कीव से अपने सैनिकों को वापस लिया, लेकिन इसके बाद यूक्रेन इस शांति समझौते को खारिज कर दिया और यूक्रेन अचानक से इस फैसले से पलट गया, जो कि काफी ताजुब की बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे यूक्रेन ने रूस के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था लेकिन बाद में इससे मुकर गया। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जा सकता है, इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।